गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। द मॉर्निंग हैज स्टार्टेड और अभी मैं सोचूँ आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊँ। दो ऑप्शन निकाला है, एक तो कांदा पोहे और एक शीरा रखा है। सो मैं सोच रही हूँ शीरा बना लेती हूँ क्योंकि आज सैटरडे भी है, मम्मा उपवास करती है, मतलब अभी तो उपवास छोड़ दिया, बट इट्स लाइक अ वेज, हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता है। तो मैं सोच रही हूँ शीरा बना लूँ और प्लस मैं खुद नहा के आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, तो मैं अगर शीरा बनाती हूँ तो मैं मंदिर में भी रख सकती हूँ। तो आई एम थिंकिंग नाश्ते के लिए शीरा ही बना लूँ। सुशांत हैज ऑल्सो गॉन टू गेट फ्रेश, वो फ्रेश हो जाएगा तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी हो गया, कितना जल्दी बन गया, इट डजंट टेक मोर टाइम टू कुक, बहुत जल्दी बन जाता है। तो झटपट ये देखिए मैंने भगवान जी को भी दिखा दिया, अभी जाके मैं सुशांत को लेने आ रही हूँ। आज सैटरडे मेरे एकदम ध्यान से निकल गया, मतलब ध्यान में था लेकिन ध्यान से निकल गया, 9:15 बज गया तो मैं आ गई सानू को उठाने के लिए। देन आई रियलाइज कि यार इट्स अ सैटरडे, आज तो उसको स्कूल नहीं है, सिर्फ ट्यूशन है, तो टीचर आने वाली, तो मैंने उसको वापस बोला सो जाओ, वापस सो जाते, थोड़ी देर बाद उठाती हूँ तुझे। एंड अभी किचन में काम स्टार्ट कर ही लिया था, एम थिंकिंग मैं कुकिंग पार्ट भी स्टार्ट करूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँ, फ्री हो जाऊँ, फिर मैं भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ या मेरा और कोई दूसरा बाकी काम हो वो सब कर सकूँ। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जाती हूँ कुकिंग करने। और आज हम लोग बनाने, मतलब मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्ची और बटाटे की भाजी। वैसे तो मेरा शिमला मिर्ची बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है, मुझे सबसे लास्ट नंबर पे मेरा है शिमला मिर्ची, बट स्टिल जो तरीके से मैं बनाती हूँ ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है, घर में सबको पसंद है, स्पेशली निशु मम्मा, सुशांत को भी। तो मैं आपको उसकी रेसिपी भी बताऊँगी, एकदम सिंपल है। अगर आप काम पे जाने वाले हो, ऑफिस जाने वाले, या आपके पास टाइम कम है और आपको क्विकली कोई भाजी बनाना है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट भाजी, जो एकदम एक साथ सब डाल देने का और पकाने के लिए रख देने का। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं, चलिए किचन में। आई एम नॉट कुकिंग, मतलब जब मैं गैस ऑन नहीं करती हूँ, सिर्फ चॉपिंग का रहता है या क्लीनिंग का रहता है ना, तब मैं ये पूरा जो हम लोग का फ्रेंच विंडो ना पूरा ओपन कर देती हूँ, सिर्फ लास्ट का ही रह जाता है। तो इतना अच्छा लगता है ना ओपन, इतना अच्छा सनलाइट आता है, हवा इतने अच्छे से आती है, बहुत अच्छा लगता है किचन में काम करने के लिए, एकदम ऐसा ओपन ओपन जैसा फील होता है। सिर्फ जब गैस चालू रहता है, कुकिंग चालू रहता है ना, उस वक्त मैं ये साइड बंद कर देती हूँ और ये साइड से ओपन कर देती हूँ ताकि यहाँ से एयर वेंटिलेट हो और गैस के ऊपर उसका कोई असर ना हो, मतलब गैस अच्छे से जलता रहे। सबसे पहले यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया, ये आलू को मैंने कुछ इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस कर दिया है, इसको ऐड करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करके लेंगे 2 से 3 मिनट। आलू हल्का हल्का फ्राई हो गया है क्योंकि आलू को पकने टाइम लगता है, शिमला मिर्ची जल्दी स्टीम होके पक जाता है। तो ये हो गया, अभी इसमें ये 3 शिमला मिर्ची जिसको मैंने ऐसे लंबा लंबा कट कर दिया है ये इसमें ऐड करेंगे, और ये 2 कांदा और 1 टमाटर को मैंने फाइनली चॉप करके लिया, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। सब एक साथ ऐड हो गया, अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस मिक्स करना है और स्लो गैस पे इसको अच्छे से कुक होने रखना है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है, अच्छे से कुक हो गया। अभी इसमें सिर्फ मसाला और नमक डालना और कुछ नहीं, नमक एज पर टेस्ट, आपको स्वाद अनुसार जितना चाहिए आप उतना डालिए। इसमें थोड़ा सा हल्दी, हल्दी थोड़ा सा हींग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच जितना, और 1 चम्मच तीखा वाला मिर्च पाउडर, बस। अभी इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट और कुक कर लीजिए और ये भाजी आपकी रेडी हो जाएगी। इतना मस्त का पापड़ बेलना पड़ता है ना सानू को फ्रॉक पहनाने के लिए, आज सुबह मुझे इतना उसको कन्विंस करना पड़ा कि चाचू को दिखाने के लिए एक बार पहन ले यूनिकॉर्न वाला फ्रॉक, अब बस ट्यूशन खत्म हो गया, एंड शी वांट्स कि पहले मेरा फ्रॉक निकाल दो और मुझे इसे फ्री कर दो। एंड शी इज लुकिंग सो नाइस, ये देखिए इतनी सुंदर अच्छी दिखती है फ्रॉक में, लेकिन उसको नहीं, उसको चाचू जैसा ही बनना है, टी शर्ट और वो वैसे ही बाल करना है। हम लोग की टीम में भी आने का नानू कभी कभी, सिर्फ चाचू के और पापा की टीम में नहीं जाने का, आई के और मेरे टीम में भी आने का। देखिए हमसे टीम में दे ये ना बाबू, चाचू ये देखिए क्या लेकर आया उसके लिए, सानू पढ़ाई नहीं करेगी तो सानू को पड़ेगा फटका मारने के लिए, एक्चुअली फ्लाइट मारने के लिए।
सानों को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, फिर आपको निकाल दिया है, अभी मस्ती कर रहे हैं। आजा आजा फटका दे दो, आजा उठाओ, आजा आजा। मैं लागत बोल रही ना, तू व्हाट यू सेड इसे लगता नहीं है ना, मैं को डरते ना, मैं मारता है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बोला था मैंने मिंत्रा से दो मेरे लिए वन पीस ऑर्डर किया, जो एक उस दिन डिलीवर हो गया था, एक बाकी था। सो दोनों आ चुका है, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा देती हूँ मैंने कौन सा मंगाया सबसे, क्योंकि मैंने मिंत्रा से कभी कुछ मंगाया नहीं था। मैंने कहा चलो इस बार ट्राई करती हूँ, हमेशा मैं अजियो से ही मंगा रही हूँ, इस बार मिंत्रा ट्राई करती हूँ। तो एक वन पीस जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो दूसरे ऐप में इससे भी एक्सपेंसिव था और सेम प्रिंट में इसमें मुझे कम रेट में मिल गया, तो आई ऑर्डर्ड दिस। ये ऐसा पूरा लॉन्ग वन पीस है, फ्रॉक टाइप है, नाइस येलोइश फ्लोरल प्रिंट है, ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन रेड है। आगे से यहाँ पे इसको ऐसा बांधने के लिए राउंड नेक है, और हाथ भी इसका थ्री फोर्थ स्लीव्स है। दिस इज़ नॉट कॉटन मटेरियल, ये आई थिंक शिफॉन टाइप मटेरियल आता है ना, वैसा है, जिसको आइनिंग की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा है, नी लेंथ के नीचे है, एकदम नी लेंथ तक नहीं, शॉर्ट नहीं है, अच्छा है, ताकि मैं घर पे भी इसको पहन सकती हूँ, कहीं आने जाने में भी पहन सकती हूँ। तो आई थिंक आई गेस दिस आई गॉट इट फॉर 959 रुपीज़, थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज मटेरियल की वजह से, बट पहनने पे बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरा मैंने कॉटन का मंगाया, ब्लैक कलर का, ये वाला ब्लैक कॉटन में है, इसको आगे से यहाँ पे पूरा ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, हाथ में ऐसा स्लीव्स पे भी है, और ये ऐसा बबल टाइप है, अच्छा लग रहा है, पहनने पर अच्छा दिख रहा है। और ये भी एकदम लॉन्ग है, मेरे से एकदम लॉन्ग है पूरा, मेरे मतलब ओवरऑल जैसे ये कुर्ती कैसा पूरा नीचे तक कवर कर रहा है, ऑलमोस्ट वैसा एंकल लेंथ तक आ रहा है। तो ये मैं एज अ वन पीस भी पहन सकती हूँ, प्लस कभी मुझे अगर लेगिंग्स के साथ पहनना हो तो मैं लेगिंग्स के साथ भी इसको पहन सकती हूँ, दोनों वे में कॉम्बो कर सकती हूँ। ये मुझे आई थिंक 859 का कुछ मिला है, कपड़ा बहुत अच्छा है, नाइस सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा अपना अटायर ना चेंज करते, वही ड्रेस पहन पहन के मैं भी बोर हो गई थी, मैंने कहा चलो कुछ नया मंगा देते हैं। तो ये दोनों मैंने मिंत्रा से मंगाया, फर्स्ट टाइम मंगाया, और फोटो में जैसा दिखता है ना, एक्चुअल में आने के बाद उतना वैसा निकलता नहीं, ऑब्वियसली वो इतना सारा फोटो इफेक्ट से फोटो अपलोड किया जाता है कि देखते ही आपको अट्रैक्ट हो जाए, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसा आप देखते हो आपको एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि दिखता है कुछ और आने के बाद कुछ और होता है। क्योंकि ये वाला जो वन पीस है ना, जो फोटो में जैसे आप देख सकते हो कितना अच्छा नाइस एंड ब्राइट दिख रहा था, है अच्छा ब्राइट, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ, बट खोलते ही जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन मैंने देखा ना, लाइक नहीं एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बट आई एम श्योर पहनने पर अच्छा ही दिख रहा है, अच्छा ही दिखेगा अच्छे से। अगर इसके साथ ड्रेसअप वगैरह हो जाऊंगी तो इट रियली लुक नाइस। अभी मेरे पास बहुत सारे वन पीस हो गए, अब से ओकेशंस की दे रहे कि कौन से ओकेशन में मैं उसको पहनूं। यहाँ पे सैलेड रेडी है, दिस इज शिमला मिर्ची बटाटे की भाजी, देखिए कितना अच्छा मसाले वाली भाजी बन गई है। और ये दाल है अम्बट वरण, चपाती इज़ रेडी, और यहाँ पे राइस भी रेडी है। और मम्मा ये उस दिन आई तब लेकर आई, क्या है मम्मा, खोबरा लहसुन की चटनी, हाँ तो वो भी अभी खोबरा लहसुन चटनी। टीवी आ गया, और एक एक करके हमारा सब विश लिस्ट जो है कंप्लीट होते जा रहा है। अभी और एक विश लिस्ट है जो कल कंप्लीट होने वाला है, फॉर विच वी वर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे हम लोग टीवी के लिए इतने महीने से वेट कर रहे थे, इस चीज़ के लिए भी हम लोग ने बहुत वेट किया, तो फाइनली दैट इज़ हैपनिंग टुमारो। इसलिए मैं और सुशांत अभी मार्केट जाकर आए, फ्रूट लेकर आए, हार लेकर आए, मिठाई लेकर आए, और साथ ही साथ पेट्रोल भी भर के लेकर आए, क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल ऑलमोस्ट नीचे आ गया था। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। आप लोग कल का ब्लॉग प्लीज़ मत मिस करना, कि सेकेंड विश लिस्ट जो हमारी इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई वो क्या है, वो आपको कल सुबह पता चलेगा। एज इट इज़ कल तो अनंत चतुर्थी है, इट्स अ वेरी गुड डे, तो कल अच्छा दिन भी है, मोदक भी बनने वाला है, एंड दिस सरप्राइज ऑल्सो गोइंग टू हैपन, सो प्लीज़ डू वॉच टुमारोज़ ब्लॉग ऑल्सो। क्यूट लिटिल लिटिल भाकरीज आर रेडी, छोटे छोटे साइज में बनाए, नॉट लाइक मम्मा, क्योंकि मम्मा तो बहुत बड़ा पूरा ये प्लेट है ना, उससे भी बड़ा साइज बनाते, बट मेरे से नहीं बनता। तो मेरी छोटी छोटी सी भाकरी रेडी हो गई, क्यूट सी, क्यूट लाइक माइन ओनली। सो अभी डिनर टाइम हो गया है, डिनर सर्व करने के लिए जाते हैं। फाइनली द डे हैज़ कम टू एन एंड, तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों को कल के व्लॉग में। अगर आप लोग ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली, एंड डू वॉच टुमारोज व्लॉग, वेट फॉर द सरप्राइज व्हाट इट इज़। सो कल है अनंत चतुर्थी, कल मिलती हूँ मैं आप लोगों को नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।